नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, विकास कार्य सबसे ज्यादा किए विनोद कुमार सिंह प्रधान सरिया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुबार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सरिया गांव के प्रधान एवं दुबार ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से बताया कि कोरोना वायरस पर अच्छी पहल की है और अपने गांव में सरिया में सबसे ज्यादा विकास कार्य किया। जब मैं प्रधान नहीं था तो भी विकास के नाम पर कुछ नहीं था। आप खुद सुनिए विनोद कुमार सिंह प्रधान की जुबान। पूरे देश में इस कोरोना को लेकर क्या संदेश देंगे? कोरोना के बारे में जो सरकार ने तमाम तरह के सुझाव दिए, सामाजिक संगठनों ने इस पर बेहतर रूप से काम किया है। इस क्रम में मेरा ये कहना है कि इस सुझाव को जो संगठनों के तमाम सुझाव हैं, शासन के सुझाव हैं, इसका भरपूर मात्रा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हुआ है। अब मेरा ये कहना है कि इस कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शासन स्तर पर सारे कामकाज चल रहे हैं। सभी तरह के जो बंद सरकारी कार्यालय थे खुल गए हैं, तो सतर्क रह के और इसमें काम करना है। मुझे यही समाज को समझ देना है। 2011 का जनगणना के अनुसार आपकी ग्राम सभा में आवास कितने आए हैं और वर्तमान समय में जो सूची कितनी गई है? पूर्व में मेरा गांव जो है 2013-14 में राम मनोहर लोहिया समग्र गांव के अंदर चयन हुआ था। उसमें जो सूचियाँ थी आवास की, इंदिरा आवास के नाम से जो आवास पहले आता था, वह पूरे संतुष्ट हो गए जो लाभार्थी थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले क्रम में जो आवास प्लस चल रहा है, उसमें पिछले साल जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें इंदिरा आवास का नाम परिवर्तित करके और आवास प्लस हुआ, तो इसमें मेरे यहाँ कोई पात्र लाभार्थी की सूची में नाम ही नहीं था। अब जो अन्य नई वाली सूची है उसमें मेरे यहाँ 131 लाभार्थियों की सूची है जो सत्यापित अधिकारियों द्वारा कर दी गई है, और उसका कार्यक्रम चल रहा है। अब शासन की मंशा के हिसाब से जो हमारे यहाँ लाभार्थी हैं, मुझे विश्वास है कि सबको आवास मिल जाएगा, क्योंकि माननीय लोकसभा सांसद जी द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है और सांसद आदर्श महोत्सव है। मैं विनोद कुमार सिंह, ग्राम प्रधान सरिया, अध्यक्ष ब्लॉक दुबार। ये प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं अभी गांव की आबादी कितनी होगी? मेरे गांव की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से 2200 है जी। आपके हैं कोटी के राशन की दुकान, ठीक है? स्पष्ट क्वेश्चन करिए। कोटी की दुकान की जो दुकानें आपके हैं, क्या लॉकडाउन के दौरान क्या सही से राशन वितरण किए हैं? कोटे की दुकान जो है हमारे यहाँ विक्रेता वशिष्ठ तिवारी हैं जी, जिनके यहाँ वितरण लॉकडाउन के अलावा हर महीने हमेशा शासन की मंशा और जो दिशा निर्देश उसके क्रम में लाभार्थियों को उचित मूल्य पे पर्याप्त खाद्यान्न हमेशा वितरण करते हैं। किसी कार्डधारक को कोई शिकायत नहीं है जी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके यहाँ बाहर से प्रवासी मजदूर कितने आए थे? बाहर से प्रवासी मजदूरों की संख्या मई से लेकर के और जून लास्ट तक 83 लोगों की संख्या थी, जिसमें वो शासन द्वारा जो उनको राहत सामग्री किट मिलनी थी वो तो विद्यालय में वितरण कराया गया था। ये सबको मिला है जो मई से लेके और जून लास्ट तक आए, उस सबको मिल गया। बाद में जो अगस्त में आए हैं उनको नहीं मिला। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो सरकार का निर्देश था ग्राम प्रधान गांव गांव घूमकर लोगों को समझाएंगे घर तक जाकर कोरोना क्या है, कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, गांव में साफ सफाई ध्यान रखते हुए सैनिटा फागुन का मास्क का क्या सब किया जाए। शासन के निर्देश के क्रम में कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मेरे द्वारा वाहन पे माइक लगा करके शुरुआत में सोशल डिस्टेंसिंग की को ध्यान रखते हुए वाहन से प्रचार किया गया। यह प्रचार 2 हफ्ते तक चला
उसके बाद मेरे द्वारा लोगों को हर घर में मास्क साबुन का वितरण किया गया और साफ सफाई के लिए हमारे साथ एक सफाई कर्मियों के अलावा हमारी टीम है जिसमें 15-20 नौजवान साथी हैं, उनके द्वारा भी कार्यक्रम चलाया गया जी। साफ सुथरा जी, जैसे बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं जो बिना सरकार का सहयोग अपने जेब से, जो असहाय गरीब है जिनके पास राशन नहीं है, उनके ना कोई आधार कार्ड है, मतलब कोई पहचान नहीं है उनके पास, उनको भी राशन देने का बहुत सारे ग्राम प्रधान काम किया अपनी जेब से। क्या इस तरह की आपके गांव में जैसा है क्या? जो मास्क और साबुन का नजर का वितरण किया गया उसका कोई भुगतान हमने अपने किसी खाते से नहीं किया, वो स्वयं अपने पास से किया है। और जहाँ तक राशन वोशन की व्यवस्था है, शासन ने इतनी मात्रा में राशन समुचित व्यवस्था कर दी है कि मेरे गांव में कोई बिना कार्ड का है ये नहीं। ऐसे लोगों को जब जरूरत पड़ी किसी की इलाज वलाज के लिए, लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने अन्य बहुत तेरे लोगों को जिसकी संख्या 50-55 हो सकती है अपने पास से उनको किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 200 देने का काम किया और सहयोग किया, जो उसकी वापसी नहीं की जाएगी। जी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी कार्यकाल की अवधि अब समापन के तौर पर है और इतने सालों में आपने किस तरह से विकास काम किए अपने गांव में? विकास जब मैं 2010 में प्रथम बार प्रधान बना, उस समय आप अगर इधर आए होंगे तो स्वयं समीक्षा कर लेंगे, अगर नहीं आए होंगे तो जो मेरा आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर समय मिले तो गांव के लोगों से भी पूछ लीजिएगा कि किस तरह का विकास हुआ है। मैं जब प्रधान बना तो मेरे गांव में एक भी रास्ते ऐसे नहीं थे जिसमें सुगमता से चला जाए। मेरा 2 पीरियड का कार्यकाल है और दोनों में विकास समुचित मात्रा में हुए हैं। कहीं आप किसी गली में जाएंगे तो आपको सरया और सोनपुरा खुर्द में कीचड़ नहीं मिलेंगे इस बरसात में भी। और शासन के मंशा के अनुरूप, जैसा कि इस समय शासन की मंशा है कि हर ग्राम में एक उसका अपना पंचायत भवन हो जी, चार सचिवालय हो, सामुदायिक शौचालय हो और विद्यालय का कायाकल्प हो, तो मेरे घर के सामने देखिए विद्यालय आपका दिख रहा है। जो आप देखेंगे तो नहीं लगेगा कि वह मेरा घर है कि विद्यालय है। जिस प्रकार से मेरा घर आपको दिख रहा है साफ सुथरा, उसी प्रकार से वो विद्यालय भी आपको दिखेगा, सामने बिल्कुल 500 मीटर पे है और वहीं बगल में पंचायत भवन है। पंचायत भवन में भी शासन की मंशा थी कि आप पंचायत भवन में नक्शे के हिसाब से ही काम करेंगे, लेकिन मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है जिससे उसका लुक और अच्छा दिखे और 1.5 से 2 लाख रुपये मैंने अतिरिक्त उसमें खर्च किया है। अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला मैंने रखा है, उनका आदेश होगा उसका भुगतान लिया जाएगा, नहीं तो मैंने शौक से उसको बनवाया है जी। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में शौचालय की कितनी प्रतिशत अब तक बन चुकी होंगे? शौचालय तो मेरे यहाँ 100% बन चुका है जी, जिसका बोर्ड आके रखा हुआ है खुले में शौच से मुक्त गाँव बोर्ड, मतलब बरसात की वजह से उसको लगाया नहीं गया, रखा गया, उसको कल परसों में लगवाएंगे जी। हम आप तो देखिए मेरे यहाँ 100% बन गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ी आबादी का गांव डुमरी है मेरे बगल में, उसमें 100% लोगों का नहीं बन पाने की वजह से वहाँ के लोग मेरे गांव की आबादी में घुस जाते हैं और इसी से मुझे परेशानी है, जो कुछ गंदगी आपको देखने को मिल जाएगी जी। जी सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।